खबर मथुरा के गोवर्धन से आ रही है। मथुरा के गोवर्धन तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नैनूपट्टी और ग्राम पंचायत पेठा का है, जहां किसानों ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के बीमा किए गए थे। जब अत्यधिक बरसात के कारण बाजार और गेहूं की फसलें नष्ट हो गई थी, तो शासन आदेश पर अत्यधिक टीम सर्वे के लिए पहुंची और मौके पर फसलों का नुकसान 70% से ज्यादा आंका गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या समस्या है? आपने प्रार्थना पत्र दिया आरडीएम साहब को? समस्या ये है कि बाजरे और जिनकी गेहूं की फसल में ये गड़बड़ी कर रहे हैं मैनेजर वगैरह। हम फॉर्म भरवाते हैं, हम इनके लिए फॉर्म दे जाओ, देते नहीं। और ये कहा धैर्य से ले लें तो फिर 70% दिखा जाएंगे, वहाँ 0% कर देते हैं। कौन सी कंपनी है बीमा कंपनी? एचडीएफसी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? ये कि बढ़िया अपना बीमा मिल जाए, सब लोगों को बढ़िया मिल जाए, अपना बढ़िया काम हो, नहीं तो यहाँ से जानी चाहिए कंपनी। तो एक आपके साथ ही गड़बड़ी हुई है और भी क्षेत्र में? और भैया क्यों ना भाई, पेंटिंग भैया सारा भैया ये गड़बड़ी करते हैं अपने आप। मैनेजर ज्यादा खुद करें, फौरन बंद कर लें, कोई ब्लैक लिस्ट डाल दे माने कि कर लो कुछ करना है, जो हमारे बस के नहीं। धमकी भी देते हैं? हाँ, और क्या, कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, उसे कहा तुम करना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी कहाँ से आए? पेठा गांव। तो क्या समस्या है आपकी? ये फसल की समस्या है सर, बीमा कराया है और ये गलत तरीका से गड़बड़ी कर रहे हैं बीमा क्लेम में। कौन सी कंपनी वाले हैं? एचडीएफसी एर्गो लिमिटेड है, इंश्योरेंस कंपनी। तो सर्वे में आते हैं या नहीं आते? सर्वे में आते, लेट सेट आते हैं, और क्रॉप कटिंग कराने भी आए, फिर उसके बाद बीट फीट कुछ निकाला नहीं, गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसी रवि फसल में कर रहे हैं और खरीफ फसल, दोनों फसल में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग जी। सबूत देने के बाद भी गड़बड़ी कर रहे हैं। तो डीएम साहब से मिले क्या आश्वासन? डीएम साहब ने किसी के लिए, किसी के लिए दे दिया है, तो वहाँ से ले जाओ और आपका समाधान हो जाएगा। क्या चाहते हैं? हम क्लेम चाहते हैं, हम तो इनको इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रामेश्वर शर्मा। कहाँ से आए रामेश्वर? पेठा से। तो क्या समस्या जो आपने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? हमारी समस्या ये है कि जो फसल का बीमा कराया जाता है, कंपनी का नाम है एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी, जब से वो आई है हम बीमा करा लेते हैं, उसके बाद सर्वे होती है, जब हम सर्वे के लिए कहते हैं तो सर्वे करने आ जाते हैं तो उसके बाद में हमको कोई सबूत नहीं देते, किधर से भी कैसे भी हम सबूत ले लेते हैं, दे जाते हैं एक आध को, तो उसके बाद में अपने पास जो ले जाते हैं उसको काट देते हैं और कह देते हैं तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। इस चीज से हम परेशान हो, क्रॉप कटिंग कराई उसमें नुकसान निकला, वो भी उन्होंने बराबर कर दी। कौन सी फसल की? मतलब दोनों फसलें, मतलब खरीफ और रबी दोनों फसलों के में गड़बड़ी किया उन्होंने, किसी को क्लेम नहीं दिया, और क्लेम दोनों जो फसल के दिखाएं वो तीन चार बार दिखा रहे हैं और क्लेम एक बार ही नहीं दिया जी। इसके बारे में हम एसडीएम साहब के पास आए, डीएम साहब के पास आए, उन्होंने कृषि निदेशक के लिए भेज दिया है कि हम कृषि निदेशक से कहेंगे, वो आपकी सुनवाई करेंगे और इसकी समस्या को हमारे समाधान करने के लिए उनके पास भेजा है, उनके पास भी हम जाएंगे, पहले भी हम मिल चुके हैं उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन इतना आश्वासन नहीं दिया कि जो काम हमारा पूर्ण हो जाए। तो इससे परेशान होकर के इस मैनेजर को और इनको मतलब या तो ट्रांसफर कराया जाए, इस कंपनी को भी भगाया जाए, क्योंकि किसान का नुकसान होते हुए उनको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत हताश कर रखे हैं, अन्याय कर रखा है उनके संग में, किसानों के संग में। ये कंपनी वाले हर बार ये कहते हैं सबूत लेने के लिए कहते हैं आरटीआई लगाओ, तो उनसे केस लड़े हम इतने परेशान हो रहे हैं, और सबूत हम पे इतने हैं, उन सबूतों के आधार पर हम सबूत वाजिब करेंगे और उन सबूतों के आधार पर हमारा क्लेम दिलाया जाए जिससे किसानों को कुछ लाभ मिले।